नमस्कार टीएनएल न्यूजर प्रत्येक दर्शकक स्वागतम जनाय ए मुहूर्त लैसो आज गुरुत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन और विधानसभा निर्वाचन प्राक्षण यार देखने पा गई है दल सलोर राजनीति क्यों अखिलेश यादव यार देखा गई है मुख्यम आघात और अखिलेश यादवर पुत्रवधु अपर्णा यादव यार सलाले दल क्यों एबार अपर्णा यादव यार बीजेपी जोगदान कर देखने पा गई है मुहूर्त यह सविशेष लैसो टीएनएल न्यूजर प्रत्येक दर्शक अखिलेश यादवक मुख्यम आघात मुलायमर पुत्रवधु बीजेपी जोगदान और बीजेपी पासत एबार मुख्यम आघात पाले अखिलेश यादवर समाजवादी पार्टी बुधवार पद्म पता तुली लोले मुलायम सिंह यादव पुत्रवधु अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन प्राक्षण आरम्भ दल सलोर राजनीति 2017 विधानसभा निर्वाचन समाजवादी पार्टीर लखनऊ कन्टेनमेंट केन्द्र प्रतिद्वंदित आगे अपर्णा किन्तु सेबार कांग्रेस एरी बीजेपी जोग दिया रीता बहुगुणा जोशीर हाथ पराजित हुई और यार बीजेपिर पड़ा अपर्णा प्रतिद्वंदिता करिबलै सजु हुई एक गुरुत्वपूर्ण खबर जाना टीएनएल न्यूजर प्रत्येक दर्शक क्यों उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन प्राक्षण आरम्भ दल सलोर राजनीति और यार बीजेपी जोगदान करिले मुलायम सिंह यादव पुत्रवधु अपर्णा यादव एक गुरुत्वपूर्ण खबर टीएनएल न्यूजर प्रत्येक दर्शक अखिलेश यादव मुख्यम आघात मुलायम पुत्रवधुर बीजेपी जोगदान और बुधवार दिन पद्म पता हाथ तुली लोले मुलायम सिंह यादव पुत्रवधु अपर्णा यादव उल्लेख्य 2017 विधानसभा निर्वाचन समाजवादी पार्टीर हो लखनऊ कन्टेनमेंट केन्द्र प्रतिद्वंदिताओ आगबढ़ाइछिल अपर्णा किन्तु सेबार कांग्रेस एरी बीजेपी जोग दिया रीता बहुगुणा जोशीर हाथ पराजित हुई एबार बीजेपिर पड़ा अपर्णा प्रतिद्वंदिता करिबलै सजु सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी श्री अनिल बलूनी जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।